अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, वो भी कुकर में। तो आइए देखिए, ये 100 ग्राम मैंने घी लिया है, एक गिलास दूध है और 1.5 किलो मैंने गाजर लिए हैं। सबसे पहले कुकर गरम करेंगे, इसमें 100 ग्राम घी डालेंगे, बर्तन को अच्छे से साफ करके डालेंगे, घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें गाजर। गाजर को मैंने थोड़े अच्छे से काट दिया है, काट के मैंने उसको थोड़ा सा भून लेंगे। गाजर थोड़ी फ्रिज में रखा हुआ था मेरा, तो इसलिए वो ठंडा है तो वो जम गई है। थोड़ा सा उसको गर्म होने देंगे, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। उसके बाद इसमें बहुत सारा पानी छोड़ देता है गाजर अपना, तो इसको अच्छे से मैश करते करते हम भून लेंगे पानी सूखे जब तक। फ्लेम को फास्ट रखेंगे और जब पानी थोड़ा सूख जाए तो उसको मैश करते करते हम पकाएंगे। इसमें डालेंगे 1/2 किलो शक्कर, इसको भी अच्छे से भूनेंगे, इसका भी पानी रिलीज होता है, तो इसको भी चलाते चलाते हम अच्छे से भूनते भूनते सब पानी सुखाएंगे। आप देख सकते हो गाजर अच्छे से मैश हो चुकी है, तो पानी पूरा सूख गया है। इसमें डालेंगे पानी, अच्छे से भून लीजिए, आधा चम्मच इलायची पाउडर है, 100 ग्राम खावा है फीका वाला, इसमें डालेंगे बादाम पिस्ता, और डालेंगे खवा, थोड़ा सा खवा मैंने गार्निश के लिए रख दिया है। अच्छे से भून के पकाएंगे। आपके सामने तैयार है झटपट बनने वाला कुकर में गाजर का हलवा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।